किरा बने तो प्लीज और गाइस वेलकम बैक। बाइक लेके हम निकल चुके हैं, थोड़ी एसेसरीज लगवाने हैं। एसेसरीज तो क्या ही है, मतलब एक आध छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस कराएंगे। अब इस बार ही बहुत खर्चा हो गया तो धीरे धीरे व्हाट विल बी डूइंग इज धीरे धीरे पूरी बाइक को मॉडिफाई कराएंगे और आपको रोज दिखाते रहेंगे। अब बेसिकली यही कॉन्टेंट है हमारा, नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे और ये दिखाएंगे। अब आज सोच रहे हैं कि थोड़ा साइलेंसर तो बनता ही है, बुलेट लिया तो चलान कटेगा, कटवा लेंगे पुलिस वाले को, से कर लेंगे बात, कोई बात नहीं। चलिए वी गोइंग टू द शॉप राइट नाउ, अपना गुड़गांव में दोस्त ने बताई हमारी दुकान, वो भी चलेगा साथ में, वो भी एक आध चीज़ करवाएगा, आपको दिखाते हैं। विल सी यू देयर एंड विल कीप यू अपडेटेड। चलो लेट्स गो। और गाइस माल पानी खरीद के ला चुके हैं हम, सकल तभी मजदूरों जैसी हो रही है। Not that मजदूर आर नॉट ब्यूटिफुल, लुक एट हिम ही इज वेरी ब्यूटिफुल। भाई हाँ भाई करा यही है, मैंने मैप पे देखी है, चूतिया थोड़ी बना रहा हूँ। अब इसकी स्टॉक हेडलाइट ये थी, जो कि आपको पता है स्टैंडर्ड में आती है और हम ओरिजिनल स्टैंडर्ड वाली ला चुके हैं। पूरा सिस्टम खुलेगा इलेक्ट्रा वाली ना, इलेक्ट्रा की इतनी चौड़ी रहे और थोड़ी पतली, मतलब यहाँ से कम होती है और यहाँ से चौड़ी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रा की टेल लाइट वैसी होती है, द मिल्फ दैट आई नेवर गॉट टू फक, यू अंडरस्टैंड, थिक एंड वाइड। ब्लैक एंड हेयरी नो। इसकी फ्रंट की लाइट्स भी लाए हैं हम, ये भी येलो है, इसे भी चेंज कराएंगे। बैंड पाइप भी हम खरीद के लाए हैं, साइलेंसर भी, ये भी। अरे नीचे ना खोलनी पड़ा है, खुलेगी ना भैया। अच्छा हाँ सही कह रहा हूँ, सिल्वन का सै बैंड पाइप, हियर इट इज। मिस्त्री साहब लगे पड़े हैं, आप लोग इस कमेंट में बताना इसे उतार दे ना उतार दे, जब तक आप बताएंगे तब तक हम उतार चुके होंगे, तो आपको ओपिनियन ऐसे मैटर करता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खुश होने के लिए आप बता सकते हैं। पीछे की नंबर प्लेट ऐसी रखेंगे खाली, नंबर प्लेट की जगह नंबर प्लेट खाली रहेगी। अब इसे खोल दिया जाएगा, अरे यू खोल दो नट, आठ नंबर ओके वेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वी आर गोइंग बैक। मिस्त्री साहब फिर से अलग पड़े हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि स्टैंडर्ड की वैसी बढ़िया लगती है, तुम चूतिया हो, लेकिन उन्हें मैं उल्टा गाली देना चाहूंगा, तुम चूतिया हो, हमारी बाइक हमारी मर्जी, तुम हमारी वीडियो देखनी देखो, नहीं माचूताओ, कोई जरूरत नहीं है कमेंट करने की, हमें ऐसी अच्छी लगती है हम ऐसी करेंगे। पुलिस वाले जो देख रहे हैं सर, हम आपको पहले से एडवांस में बताना चाहेंगे, हमारी वीडियो देख के कोई एक्शन ना लिया जा, हम बस ये अपने गली मोहल्ले में चलाने के लिए कर रहे हैं। नई वाली तो पटाखा भी नहीं मारती, हम पटाखा भी नहीं फोड़ने वाले, वो अलग बात है, हम कार्बोरेटर का जुगाड़ कर रहे हैं ताकि पटाखे फूट जाए फ्यूचर में, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ नहीं होने वाला ऐसा। ये जो मिस्त्री खड़ा है, इनकी बाइक दूसरा मिस्त्री ठीक कर रहा, उनकी बाइक में हाई लेवल दिक्कत आ गई है। चलिए जैसी लगती है वैसी आपको दिखाएंगे। या का बल्ब भी इनमें फिट कर दिए, करवाना है ये, निकल जाएगा बल्ब इसका, होल्डर कल ही लाएगा इसका, है नवीन भाई, अब या की किस्त निकालेंगे यूट्यूब पेमेंट से। Alright guys, so we are finally removing this. This as in the back part, the back rest. अब इसको निकालता ही जो तीसरा बंदा है उसके चूतड़ हवा में हो जाएंगे, उसको अपनी गांड का ठिकाना नहीं रहेगा, वो सीधा लाइट पे गिरेगा, उसकी माँ चुदेगी, लेकिन इससे लुक बनती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीसरा बंदा अपनी माँ चुदाए,
ये हमारे मिस्त्री जी अब तक जनरेटर बांधते थे, आज बुलेट का काम करके तरक्की तो नहीं कहेंगे इसे, तो डीग्रेड होना ही कहेंगे। ओवरऑल सस्ती मशीन पर आ गए कंपैरेटिवली। तो पेड़ के नीचे काम कर करके इनकी देखो शक्ल कैसी हो गई है। कोई बात नहीं, फ्री चला बिल्कुल, बिल्कुल एकदम पैदा। मैं कह रहा हूं मेरी फ्री चला बिल्कुल सही में। और इसमें तेल कर दूंगा, इसमें बिल्कुल फ्री चला मेरी तो, वो बिल्कुल मुझे ढीली और लगती है बहुत ज्यादा। होती तो मैं तुमको बोल देता, मैं पहले बता देता भाई, बहुत जाम है, बहुत जाम है। मैं कह रहा हूं मेरे को ये बहुत ढीली लगती है, बहुत जाम है। कुछ नहीं, एक दिन आएगा आपके पास यहाँ से तार निकाल के, एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ, एक हाथ से यूं तार खींचता हुआ आएगा, जब ये टूट जाएगी ना यहाँ से तो यूं आएगा खींचता हुआ। मैंने रेस की भी बनाई है, अकेले पैर का क्लच तो बनाई है। आपने साउंड इफेक्ट सुन लिया होगा, इसीलिए ये घटिया आदमी है, पब्लिक में पिटते पाते हैं। एक ये हैं, एक हमारे दोस्त रोहित हैं, ये दो कमीन लोगों को मैं जानता हूँ, तो थोड़े मादर तो टाइप के हैं, पब्लिक में पिटवा सकते हैं। इन्हें डिसोन कर देता हूँ मैं वैसे बाहर जा कर, कि मैं नहीं जानता कौन है ये, हमारे जान पहचान के नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग काम देखिए, आपसे आपको काम से मतलब है, आपको क्या मतलब, आदमी चूतिया तो क्या हो गया, मिस्त्री तो पूरा कह रहा है एक नंबर का, अभी साइलेंसर भी बदल के दिखाएगा। चप्पल पर बच जाइए, चप्पल सिद्धू मूसेवाला से इंस्पायर्ड है, जिस जिन चप्पलों में उनकी हत्या हुई थी उन्हीं चप्पलों के आगे ले शौकीन है। आप लोग फिर से बता दीजिएगा कमेंट में कि नेट को वापस लगा दे, लुक के लिए कि नहीं लगाएं। फिर से मैं ये बात बोलना चाहूँगा, आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, जब तक आप कमेंट करेंगे तब तक हम लगा चुके होंगे। फाइनली सारे नट खुल गए हैं। फ्री चलती बाइक में पैडल मार देता है पिकअप बढ़ाने को। बैंड उतर चुका है, साइलेंसर उतर चुका है, एंड फाइनली वी इंस्टॉलिंग द सीट बेल्ट। तो इतनी चौड़ी गांड उरा उरा। किसी और से मैकेनिक तो कर देगा, कोई इससे नहीं हो पाएगा भाई से। तू ही कर, एक मिनट लगवाई। अब लग रही है ना कोई चीज है, मैं इंच अब तक स्प्लेंडर बराबर लग रही थी, धक्का मार लिया पुलिस देखते ही, मैंने तो धक्का लगेगा। अरे इसे बांध के लेके कैसे जाएंगे, गली में टांग के ले जाएंगे ये बंदे को कहा। या तो मैं रख लूं कल गाड़ी लाऊंगा मैं, ऐसा कर ले। नहीं ऐसा नहीं करूंगा, कर लेना भाई। नहीं है नहीं, घर रख ले अपने। मेरी मम्मी मेरे पापा को कह देगी लड़का बदमाश हो रहा है। बदमाश ही क्या है इसमें, मेरी मम्मी कहती है या तो ये छोड़ जाता हूँ, पर कल शाम को आऊं कर ले। बहुत दूर से आया तेरे काम करा रहा हूं, भैया के समझ ना आ रही ना, यूं लग रहा हमने बिजी कर दिया ये भाई। लाइटें भी नीली करा ली गई, जल नहीं रही, अभी जलेगी तब देखेंगे। भाई इसका ये लगा दो ना, ये खोल के लगा रहे करना ना भाई, नहीं करना। हाँ करना 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 भाई करना, नीचे करना हैंडल, ये बेंच बहुत ज्यादा सीधा।
बस छुए ना बस। ये विक्रम भाई है, टोल पे नाम चलता है इनका। टोल पे नाम चलता है, फरीदाबाद वाले टोल पे नाम चलता है इनका। ये बावली गांड है। रॉयल इनफील्ड मॉडिफिकेशन फ्रेंडली रही नहीं अब, एक टाइम था कि सारी चीजें मॉडिफाई हो सकती है इसमें, अब धीरे धीरे ना स्पीड से जा रही कंपनी वाले। हाँ जी अंकल, ये कंपनी वाला। हाँ कवर भी है। नहीं अंकल रख लूंगा। अरे पता क्या, नहीं खरीदी इसलिए कि बस गली मोहल्ले में घूमे, बाहर नहीं लेके जाते। बस ये काम कराने के लिए लाए हैं यहाँ, इसे कहीं बाहर नहीं लेके जाने वाले हम। अपना जिम तक चले गए, दूध लिया आए, बस ये दो ही पेज लग रहे हैं। तीसरा ओवर जा रहा है। क्या जा रहा है? ओवर जा रहा है तीसरा। ओवर दिख जाएगी तो वो तो कोई दिक्कत पकड़ो। बल्ब लग रहा हूँ। क्या अरे आगे सभी ने हो रही, आगे जलेगी नहीं अभी, वो भी नहीं जल रही ना आगे वाली भी। चल गी। देख रहा जेनुइन काम कर रहा है तो। आगे वाला भी तो जेनुइन करा बिल्कुल। इस पे टेप करा ले नीचे से बहन से, आगे लपटा कराएंगे टेप। जल्दी रहे क्या लाइट। हाँ और ब्रेक दबाइयो। ब्रेक नीचे वाला ना भाई। भाई ये डिस्क तो बहुत टाइट हो गया। डिस्क को छोड़ दो ना, ये मुझे लग रहा है लाइट है ही। नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, पार्किंग अलग जलती है, ये अलग जलती, मुझे है। पता मेरी में जलती है। हाँ अब ठीक है, लेकिन अब वो नहीं जल रही। हाँ ये है आधे घंटे का। क्या आगे से छोड़ मैं लगा दूंगा। डिस्क बहुत टाइट कर दिया आपने, ये थोड़ी करा है वो? भाई ने नीचे करा ना अभी, इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। होता दे इतने टाइट ना, ये कोई बात नहीं, वो चलने पर पड़ता है, चलने पर सेट होते हैं। जैसे आप चलते हैं ना सब सेट होते हैं। सेट ही लाया मैं, तो इसके बंद कर वो वीडियो उड़ा रहा है। जेन्युइन लग रही है अब बिल्कुल, देख इससे मैचिंग करती हुई आ रही है अब। लाट नंबर 2 लग रहा है, सबसे छोटी वाली।
और गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, यहाँ तक आ गए हो तो मैं बता देता हूँ कॉस्ट ओवरऑल ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि मोटा मोटी हमें क्या कॉस्ट लगी है सारे सामान की। तो अब मैं आपको फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि पहली बात तो मैं आपको बता दूँ रियलिस्टिकली मैं तो चाह रहा था एल शेप का ही मिल जाए खाली बेड पाइप, लेकिन BS6 में मिल ही नहीं रहा था एल शेप का खाली बेड पाइप। एल शेप का हमें बेड पाइप मिल ही नहीं रहा था खाली वाला, तो उस यही कारण है मोटा मोटी तो कि इलीगल है, अब बंद हो गया है, कम बिकता है। सी वाला भी ढूंढा, सी वाला भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, हमें सी वाला भी आपको बताओ रियलिस्टिकली नहीं मिल रहा था BS6 के लिए स्पेसिफिकली, मतलब मार्केट ही वो बुलेट की थी और गुड़गांव के अंदर सेक्टर 4 में, लेकिन वहाँ भी नहीं मिल रहा था, कम अवेलेबल था, 2-3 दुकानों पर अवेलेबल था। उनसे ही हमने पूछा, अब क्या है कि जब जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी कम होती है आप निगोशिएट भी एक पॉइंट तक ही कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सी पेंट पाइप आता ना उसमें बंदे सिलमन बता के असली बता के आपको चेप देते हैं 900 रुपये में, 950-1000 रुपये में। जो गर्थ होती है ना, गर्थ समझते मतलब मोटाई जो बेंड पाइप की, वो थोड़ी पतली होती है। अब जो आदमी थोड़ा नया होगा ना उसे यूँ लगेगा कि भाई इतनी तो है, जब लेकिन साइड बाई साइड कंपेयर करोगे अगर आपको देख के यूँ लग रहा है ना कि ये थोड़ा पतला है, वो ऑथेंटिक नहीं है। दूसरी चीज़ मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर लगवा रहे हो जब पैसे खर्च रहे हो तो अपना ऑथेंटिक ही लगवाइए आप, क्योंकि ऑथेंटिक ऑब्वियसली कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके R&D करके ही कोई चीज़ बनाती है। ऑथेंटिक ऊपर से थोड़ा पीला भी कम पड़ता है और थोड़ा चौड़ा होता है, ओवरऑल देखने में लगता कि आपने कोई चीज़ लगवाई है, यूँ नहीं लगता जुगाड़ है ऑनेस्टली बताऊँ तो। तो और सिलमन वाला पूरी सिलमन की पैकिंग में आता है, सील पैक्ड आता है, आपके सामने खोलेंगे। तो अब मैं आपको कॉस्ट बता दूँ, सिलमन वाले की कॉस्ट हमें पड़ी थी एग्जैक्ट 1100 रुपये। दूसरी चीज़ साइलेंसर हमने लगवाए, साइलेंसर छोटा पंजाब जैसे शॉर्ट बॉटल बोलते हैं, शॉर्ट बॉटल आपको मिल जाता है आराम से 1050-1100 रुपये का ईजी मिल जाता है। लॉन्ग बॉटल क्या है, कम बंदे लगवाते हैं इस वजह से उसकी डिमांड भी कम है, तो लॉन्ग बॉटल की कॉस्ट जो आती है वो अराउंड 1400-1500 रुपये सब बोल रहे थे, मार्केट में हमने पता करा सब जगह इतना ही बोल रहे थे। तो जो जिस मैकेनिक से हम सामान लगवा रहे थे ना उस पर सिलमन का ही, मेरा बैंड भी मेरा सिलमन का, एग्जॉस्ट भी ओरिजिनल ऑथेंटिक सिलमन का है, लॉन्ग बॉटल चौड़े मुंह वाला 53 mm जिसे बोलते हैं। तो जो सिलमन का एग्जॉस्ट है वो भी मैंने उसे थोड़ा सा समझा दिया, मैं कहा भाई हम तो मार्केट में पूछ के है 1100-1150 में मिल रहा है, फिर उससे निगोशिएट करके बात डन करी हमने 1350 रुपये में। उसने मेरा बैंड भी फिट करा, मेरे को साइलेंसर भी दिया, मेरी टेल लाइट भी फिट करी। अब मैं आपको बता देता हूँ जो टेल लाइट की कॉस्ट आई थी हमें, टेल लाइट स्टैंडर्ड की नो डाउट बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमें टेल लाइट की कॉस्ट आई 280 रुपये, 280 रुपये उसकी कॉस्ट है, यही उसकी ऑथेंटिक कॉस्ट है। बल्ब आपका जो बाइक का नॉर्मल होता है स्टैंडर्ड का, वही बल्ब उसमें फिट हो जाता है, कुछ ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं होता, अपना नंबर प्लेट वाले वो खुलता है, उसमें होल्डिंग पूरी चेंज होती है, बल्ब वही लग जाता है, 280 रुपये में आपकी फिटिंग हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर दिया था हमने। आगे की लाइटें हमने बदलवाई थी, जो टाइगर लैंप्स थे वो ब्लू कलर के लाए थे, वो 20-20 रुपये के थे अंकल के पास, वो बेकार थे, वो लगाते उनमें धुआं छूट गया, पटाखे फूट गए, ऐसा कर गया, तो वो फेंक दिए हमने, चलो कोई बात नहीं। और तीसरी चीज़ हमने जो कराई थी, हैंडल भी हल्का सा नीचे कराया था, स्टैंडर्ड में ना कंपनी से बहुत ज़्यादा से सीधा देने लगे हैं, थोड़ा सा हल्का सा नीचे हमने कराया था, क्योंकि ऐसे बैठने की जगह थोड़ा सा ऐसे बैठना थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो ये कराया था। बस अभी फ़िलहाल इतना ही काम करा, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कि जो मैं टैंक पे लैमिनेशन कराई है और जो पीछे की टेल लाइट है उसे स्मोक कराई है, मतलब एक आध चीज़ें कराई हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ, जो कि ओवरऑल सटल लुक देती है। और आप लोगों से मैं सजेशन भी चाहूँगा कि मैं 2 फोटोज़ लगा दूंगा, मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि अलॉय व्हील्स मर्सिडीज़ में एक मशीन कट वाले आते हैं स्पेसिफिकली, मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा अभी, तो ये वाले लगवाएं या फिर एस वाले ब्लैक, बिकॉज ये 2 ऑप्शंस मेरे को नज़र आ रहे हैं। आप लोग सजेस्ट करो, जो आपको बढ़िया लगेगा वही लगवा लेंगे। मेरे को तो दोनों ही 50-50 पसंद है, मतलब मैं इधर भी जा सकता हूँ उधर भी जा सकता हूँ, मुझे दोनों बराबर पसंद है। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मैं तो ये बोलूँगा अगर आपको सब्सक्राइब तभी करें आपको और एक्चुअल में हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, बहुत सब्सक्राइबर तो मुझे चाहिए नहीं बेफालतू के। इफ़ यू डू एक्चुअली लाइक द कॉन्टेंट यू कुड गिव दिस वीडियो सब्सक्राइब, यू कुड गिव इट अ थम्स अप, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।